नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई हिंसक झड़प की घटना के बाद चीन की तरफ से पहला बयान सामने आया। चीन ने कहा कि हिंसक घटना की रिपोर्ट्स के बाद स्थिति भारत सीमा पर स्थिर है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर पिछले हफ्ते विवादित हिमालय सीमा पर एक तरफा रुख से यथास्थिति बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि झड़प में भारतीय सेना के जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का कोई जवान शहीद नहीं हुआ। भारत चीन सीमा में झड़प के बाद से भारत में माहौल गरमाया हुआ है। सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर उन्होंने विदेश मंत्री अजय शंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सेना प्रमुख ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति पर राजनाथ सिंह को जानकारी दी। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री इस तमाम मामले को लेकर, इस वीडियो को लेकर अपने बयान सामने रख चुके हैं। घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। बिहार में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ना तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है और ना ही मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही होंगे। सीएम ने बताया कि वो अगले चुनाव में महागठबंधन के नेता नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को हटाना है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव को आगे करना है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इन अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा दिया। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए। दरअसल प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि वे 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। बीते 3 साल से सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव कहते थे कि पहले कैबिनेट में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, सोच समझ कर आए हैं, करो या मरो। अभ्यर्थियों ने कहा कि 7वें चरण के 1 से 8 तक के नोटिफिकेशन को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने से प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन का अलर्ट मोड पर रख दिया। हंगामा करने वालों में सीटीईटी बीटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल हैं। इस मांग है कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी की जाए। लाठीचार्ज की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि उप मुख्यमंत्री ने पटना जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत की है। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीसीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया। ये टीम पता लगाएगी कि एडीएम ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने कहा कि छात्रों से अनुरोध करते हैं कि धैर्य रखें, हम उनकी समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं, हम रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी कि 14 सितंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि आज यानी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल सरकार पर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पालन न करने का आरोप है। अब कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी। सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट फैसला करेगा। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी। हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदर्शन कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, समस्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने, उत्तर प्रदेश में भी बंगाल सरकार की तर्ज पर कार्यकर्त्रियों मिनी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 62 वर्ष की सेवा के स्थान पर 65 वर्ष की सेवा समाप्त किए जाने की मांग की जाए। इसके साथ ही सेवा समाप्ति समय 5 लाख का मुआवजा दिए जाने, सभी रिक्त पदों पर भर्ती होने के कारण केंद्रों का संचालन पास की अन्य कार्यकर्ताओं को दिए जाने की मांग की गई है। हम लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के उसे यहां पर धरना देने बैठे हैं। एक दिवसीय धरना है हमारा और हमारी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहली मांग है हमारी बहनों की बीएलओ कार्य से ड्यूटी काटी जाए, जिसका कि हमें हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि हमारी ड्यूटी किसी अन्य विभागीय कार्य में मना लगाई जाए, और फिर भी धमकी दी जाती है कि FIR कर दी जाएगी। हमारी बहनों का मानदेय रोका जा रहा है, उनकी FIR करी जा रही है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी ही काट दी जाए, हम इसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आवश्यक कार्यों में बहुत ज्यादा हमको परेशानी हो रही है, और हमारा जो सेंटर का काम है, केंद्र का काम है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। नंबर दो, हमारा PLI का पैसा अभी तक नहीं आया। माह अगस्त से जिले से रोका गया है या वो ऊपर से रोका गया, जिले पे पूछो तो कहा जाता है ऊपर से रुका है। जब हम लोग मोबाइल पे कार्य कर रहे हैं, बराबर कार्य जा रहा है, तो हमारा PLI का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा था। और उसके बाद हमारा कोई भी मोबाइल का रिचार्ज का पैसा नहीं आ रहा है। मोबाइल भी लड़कियों के पास बिगड़े हैं, हम लोग अपने मोबाइलों से कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिचार्ज तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। हरदोई में निधि और नगर पालिका के विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि उनका प्रयास है कि हरदोई विकास के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श और मॉडल के रूप में जाना जाए। इसके लिए वो जो भी योजना है उसको लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरदोई को उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर लाना है, इसके लिए वो सतत प्रयासरत है। अखिलेश यादव के द्वारा रोडवेज बस की फोटो ट्वीट किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए उनका सुझाव है कि वो जिम्मेदार पूर्वक बयान दे, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती है, वो मंदिर जा रहे हैं, जहां भी यात्रा होती है वहां के मंदिरों में जा रहे हैं, ये बदलाव है और ये बदलाव अच्छा है। उन्होंने कहा कि बदलाव बीजेपी नेतृत्व के जनहित के कार्यों का असर है। अखिलेश और शिवपाल की नजदीकियों को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार पहले भी एक था, शिवपाल अखिलेश के नजदीक जा रहे हैं, ये कोई हैरानी का विषय नहीं है। GST को लेकर लगातार छापेमारी और विरोध पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शासन को इस बात से अवगत भी कराया है और सभी लोग लगे हैं कि GST की टीमें व्यापारियों को कहीं भी शोषण ना कर पाए, इसको लेकर शासन तक बात हो चुकी है, किसी भी तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हरदोई के लोगों की मांग थी, कई लोग मेरे पास आए भी थे और कई बार उन्होंने कहा भी, अम्बेडकर पार्क में शाम को जो लोग टहलते हैं, यहाँ पे अंधेरे की भी शिकायत रहती थी कि यहाँ पे अंधेरा बहुत रहता है। उन्होंने कहा भी था कि यहाँ पे अगर रोशनी की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारे लोग और भी जो आना चाहते हैं वो यहाँ पे आएंगे।
अपने बच्चों के साथ आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो मैंने अपनी निधि से उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी निधि से पैसा दिया और आज यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था हुई है। और साथ ही साथ नगर पालिका के कुछ का काम थे शहर के 15वें वित्त में, उसके साथ सभी का आज उद्घाटन हुआ है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा आज इस मौके पे कि मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि शहर में क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं, चाहे वो अपनी निधि से के माध्यम से, चाहे वो शासन में से शासन द्वारा पैसा लाऊं, विभाग द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को मैं यहां पे लाऊं। और मैं लगातार यही प्रयास में लगा रहता हूं कि अपने हरदोई को, क्षेत्र को, जनपद को विकास की योजनाओं को लाकर यहां पे जो आवश्यकता नशतों को पूरा करूं। और मैं आगे मैं हमेशा यही मेरा प्रयास भी रहेगा, हरदोई के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा, हरदोई के विकास के लिए, लोगों की जो मांग रहती है उन मांगों को पूरा करने के लिए, जहाँ भी जिस स्तर पे भी जहाँ से भी धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, योजनाओं को लाना होगा हरदोई जनपद में लाके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरा लक्ष्य केवल इतना ही है कि हरदोई को एक विकास के मॉडल पर स्थापित करूँ। पीलीभीत में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बीती रात बदमाशों ने 5 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने चार पहिया वाहन चालक को घेर कर 5 लाख की नकदी लूट ली। साथ ही नकाबपोश बदमाशों ने चार पहिया वाहन पर फायरिंग भी की। वहीं फायरिंग में चालक बाल बाल बच गया। लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। मामला कोतवाली पुरनपुर इलाके के गुड़चिहाई चौकी के समीप का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रांजल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, चोरी की घटनाएं लगातार पीलीभीत में बढ़ती जा रही है, पुलिस क्या कर रही है? आपको बताना चाहेंगे जो घटना जो बीती रात भी हुई है, हाल फिलहाल अभी चोरी की घटना भी थाना क्षेत्र में हो चुकी है। वही अब जो है यहाँ पर जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है की बाइक पर जो है दो नकाबपोश बदमाश थे जिन्होंने पार्क पर जो हमला करा है, और जो फार्मर है सिख फार्मर रणजीत सिंह, इसकी कार में रखने 5 लाख रुपए की महसूस की जो की बैगों की वो लूट करके यहाँ पे फरार हो गए। हम इसने जो जब इतना किसान ने जब इसका विरोध किया तो कई राउंड यहाँ पे फायरिंग भी किया, जिसके बाद घटना से पूरे इलाके में हड़कम मच गया। वही कई सूचना पे जो है आला अधिकारी मौके पहुंच गए। वही बताया जा रहा है की जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद पुलिस मैक्सिमम हड़कम मचल नजर आ रहा है की इसकी बड़ी बातचीत जो है यहाँ पर घटित हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला जहाँ पर बदमाशों ने 5 लाख की लूट को अंजाम दिया है, वहीं फायरिंग भी करते हुए बदमाश मौके से फरार हुए हैं। वहीं फरुखाबाद में युवक और युवती ने खुदकुशी कर ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, वहीं खुदकुशी की खबर से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला चौहट्टा का है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आदेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वजह बताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, इसी वजह से दोनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फरुखाबाद के थाना शमशाबाद में एक मोहल्ला चौहट्टा पड़ता है, जहां प्रेमी और प्रेमिका का सब एक ही फंदे पर लटका मिला। जिस तरीके से लटके होने की सूचना मिलने पर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जिस समय ये प्रेमी जो है घर पर अकेला था, उसी समय प्रेमिका मौके पर पहुंची और दोनों ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फरुखाबाद का ये पूरा मामला जहां पर प्रेम प्रसंग में युवक युवती ने खुदकुशी कर ली है, पुलिस मौके पर पहुंचे, दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।